कर्नाटक पर आए एग्जिट पोल से बौखलाई बीजेपी, कहा ये सिर्फ एग्जिट पोल हैं, अभी वास्तविक नतीजे सामने नहीं आए, नतीजे पलटने की संभावना। कर्नाटक पर आए एग्जिट पोल के अनुमानों में पूर्ण बहुमत से बन रही है कांग्रेस की सरकार, 13 मई को आएंगे असल नतीजे। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार को मिली बड़ी जीत, मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका, कोर्ट ने कहा सरकार के पास अधिकारियों की तैनाती का अधिकार। शिंदे बने रहेंगे मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उद्धव इस्तीफा ना देते तो सरकार बहाल हो सकती थी, 16 बागी विधायकों पर फैसला स्पीकर करें। महाराष्ट्र संकट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उद्धव ठाकरे की प्रतिक्रिया, बोले नैतिकता के आधार पर एकनाथ शिंदे दें इस्तीफा। महाराष्ट्र पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद संजय राउत ने मौजूदा सरकार को बताया गैर कानूनी, शिंदे गुट के नेता बोले वो पागल हो गए हैं। आज मातोश्री में सीएम नीतीश से मिले उद्धव ठाकरे, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी थे मौजूद, 2024 के लिए विपक्षी एकता पर हुई चर्चा। ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग हुई तेज, अखिल यूपी जाट महासभा ने पहलवानों के विरोध प्रदर्शन का किया समर्थन। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ नाबालिग पहलवान का बयान दर्ज, सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज हुआ बयान। ब्रजभूषण के खिलाफ पहलवानों के धरने का आज 19वां दिन, जांच धीमी होने से नाराज पहलवानों ने काली पट्टी बांधकर किया विरोध प्रदर्शन। पाक में बिगड़े हालात, अमेरिका का इमरान का पक्ष लेने से इनकार, ब्रिटेन ने इमरान की गिरफ्तारी को बताया आंतरिक मामला। पाकिस्तान में गहराई संकट में, अब तक 8 लोगों की गई जान, पीटीआई समर्थकों ने पीएम शहबाज शरीफ के घर पर भी बोला धावा। पाकिस्तान में सिंध छोड़कर पूरे देश में आर्मी तैनात, इमरान की पार्टी के नेता महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी गिरफ्तार। इसराइल के हमले में 25 फिलिस्तीनियों की गई जान, इस्लामिक जिहाद का टॉप मिसाइल कमांडर मारा गया, आतंकियों ने इसराइल पर दागे रॉकेट। कराची शिपयार्ड में चीनी नागरिकों पर हमले की साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने संदिग्ध को मार गिराया। चैट जीपीटी का कॉम्पिटिटर बार्ड 180 से ज्यादा देशों में लॉन्च, हिंदी सहित 400 भाषाओं को करेगा सपोर्ट। टीटी के भरोसे नहीं रहेंगे वेटिंग टिकट वाले रेल यात्री, चार्ट बनने के बाद मोबाइल पर मिलेगी खाली बर्थ की जानकारी। आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला, कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा मैच। दिग्गज अभिनेता शरद सक्सेना ने बॉलीवुड के राज से उठाया पर्दा, कहा हम जैसे एक्टर को पार्टी में नहीं बुलाता कोई। फैट शेमिंग का शिकार हुई जरीन खान, जिम के बाद स्पोर्टी लुक में आई नजर, बढ़े हुए वजन को लेकर यूजर्स ने किया ट्रोल।